आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक वीडियो सामने आया है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट का नाम रखे जाने का विरोध शिवसेना के द्वारा किया जा रहा है। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई। इस एयरपोर्ट का संचालन अब अडानी ग्रुप के हाथ में है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर लगा अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड उखाड़ फेंका। शिवसेना का आरोप है कि पहले ये एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लगा दिया गया है जो सहन नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि अडानी समूह की ओर से पिछले कुछ सालों में एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश किया गया है। देश के कई बड़े हवाई अड्डों का संचालन अब अडानी समूह के पास है। जुलाई में ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन पूरी तरह से अडानी समूह के पास आ गया। खुद अडानी गौतम अडानी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। विपक्ष के द्वारा लगातार ही इसका विरोध किए जाने के बाद भी जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अडानी का नाम जो है, अडानी के नाम की पट्टी का उखाड़ कर फेंकी जा रही है, और जो इसमें ये संलिप्त लोग हैं वो शिवसेना के बताए जा रहे हैं। शिवसेना के द्वारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप के नाम वाला बोर्ड हटा दिया गया है। अडानी एयरपोर्ट लिखे बोर्ड को हटाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट का ये नज़ारा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। इसमें 50.5% हिस्सेदारी जीवे की ग्रुप से खरीदी है, जबकि 23.5% हिस्सेदारी छोटे पर्सन से ली है। इसमें एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका और मिडवेस्ट ग्रुप शामिल हैं। बोर्ड तोड़े जाने के बाद शिवसेना ने इसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली है। शिवसेना ने कहा है कि उसे एयरपोर्ट को अडानी के नाम पर रखे जाने की लगातार ही शिकायतें मिल रही थी। इस बीच अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि एयरपोर्ट का नाम अब भी छत्रपति शिवाजी के नाम पर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। पर जिस तरीके से यहाँ पर अडानी का बोर्ड तोड़ा जा रहा था, अडानी के बोर्ड को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा था, क्षति पहुंचाई जा रही थी, वो देखकर कोई भी आसानी से ये कह सकता है कि संभवतः अडानी के द्वारा इसका नाम बदलने का कुत्सित प्रयास किया गया था। वैसे इस मामले में विपक्ष को चाहिए कि वो सक्षम मंच लोकसभा में इसकी आवाज़ उठाए, और इस तरह से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो एयरपोर्ट संचालित हो रहा था उस एयरपोर्ट पर अडानी का नाम लिखा जाता है तो यह घोर आपत्तिजनक माना जा सकता है। अगर अडानी का नाम, अडानी समूह का नाम लिखा भी जाना है तो कम से कम वहाँ पर एक पट्टी का लगा दी जाती कि इस एयरपोर्ट का संचालन अडानी समूह द्वारा किया जा रहा है। पर आपने जो देखा, हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ अडानी का नाम लिख दिया गया जो दूर से चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसमें इसको देखकर लग रहा था कि ये एयरपोर्ट अडानी के द्वारा ही अडानी के नाम पर हो गया, संचालित किए जाने की बात कहीं भी वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए अतुल खरे की ये रिपोर्ट। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए शिवसैनिक यहाँ पहुँचे और अडानी जिस तरह से लिखा है कहीं, और उसके आगे एयरपोर्ट भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा दाईं तरफ, तो अडानी एयरपोर्ट, जबकि अडानी ग्रुप द्वारा संचालित किया जा रहा है, संधारित किया जा रहा है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। शिवसैनिकों की आपत्ति निश्चित तौर पर स्थानीय होने के नाते इसमें उचित मानी जा सकती है। देश भर के विपक्ष के नेताओं को, जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, संभाग स्तरीय नेताओं को इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि उन्होंने इस सब के लिए ना तो नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है, ना ही किसी सूबे के मुख्यमंत्री को, उनके द्वारा स्थानीय मामले को ही उठाया गया है। मुंबई से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से अतुल खरे की रिपोर्ट। ये देखिए, अडानी का नाम इस तरीके से लिखा गया, ये बहुत आपत्तिजनक है, और इसमें कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है केंद्र में, उसको
केंद्रीय विमानन मंत्री एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस बारे में सवाल जवाब करने चाहिए कि इस एयरपोर्ट का संचालन अगर अडानी के द्वारा किया जा रहा है और वहां पर अगर अडानी के नाम से ही एयरपोर्ट बना दिया जाए, लिख दिया जाए, तो ये क्या उचित है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के मुंबई ब्यूरो से अतुल खरे की ये रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।